कहाँ जाना है इतना बतलाव किया आपने? Oh my God! Stara, this is my new haircut. क्या हुआ है? हंस क्यों रही हो? सही हो, तुमने क्या किया? इतने मेहनत से बाल काटे नहीं है, अब मेहनत से बाल वापिस आएंगे. Tada! कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल? Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में झटपट से पता चल जाए. तो भाई आज की वीडियो में मैंने क्या एक्साइटिंग सोचा हुआ है कि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी अपने बालों का हेयर कट कराऊंगी, अपने बालों का हेयर कट कराऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला. शूट वूट और इन सब चीज़ों में इतना बिजी थी कि हेयर कट कराने का टाइम नहीं मिला. तो सोचा के घर पे कर लूँ, लेकिन मैं अपने वालों के साथ रिस्क नहीं ले सकती. तो भाई अब मैंने सोचा है, मुझे आज रिसीव हुई हैं ये हेयर बैंग्स वाली एक्सटेंशंस, तो ये लगाते हैं और सबके साथ प्रैंक करते हैं कि भाई मैंने अपने घर में बाल काटे हैं और ये हो गए हैं. तो भाई देखते हैं उनका उस चीज़ पे क्या रिएक्शन होने वाला है. बाल शाल बांधते हैं, नीचे चलते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और फिर उनसे सजेशन लेती हूँ और कहती हूँ कि भाई घर पे बाल काटते हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स गो. तो भाई मैंने एज यूजुअल अपने बाल बांध लिए हैं और किसी को नहीं पता है कि मैंने क्या प्लान किया हुआ है. नीचे चलते हैं, सबसे सजेशन लेते हैं कि भाई घर पे बाल काटूँ या ना काटूँ, काटूँ या ना काटूँ, फिर कहूँगी यार काट ही लेते हैं. तो क्योंकि मुझे प्रैंक करना है ना उनके साथ. सो लेट्स गो. तो भाई यहाँ पे मैं आई हूँ और एक बच्ची मुझे मिली है. मुझसे लड़ रही थी कि मुझे कल अर्जेंटली बुक्स चाहिए, स्कूल जाना है. और इसकी कहानी है कि मैडम उठी ही नहीं स्कूल जाने के लिए. यार मैं उठी थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन उठी देखो कोई था ही नहीं छोड़ने के लिए. मैं पता है तुम किसकी वजह से नहीं उठी हो? इसकी वजह से. इसकी वजह से क्या गलती है? तुम इसको चिपक के सोती हो और ये तुम्हें फिर उठने नहीं देता. तो आज हम जैनब की बुक्स लेने जाएंगे, ठीक है? और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है. मम्मी चलो जी. मम्मी ने यहाँ पर डंबल्स रखे हुए हैं और एक्सरसाइज में मगन है. कहाँ जाना है इतना बतलाव के आपने? चेक करे मम्मी की एक्सरसाइज. मुझे ये बता दे ये उठाने की हिम्मत कहाँ से आती है? ये देखो अब ये ध्यान. Oh my God! मैं उठाऊँ मेरे डायरेक्ट सर पे आके गिरे. Wow! Okay guys, तो भाई यहाँ पे जैनब मेरे साथ ना मैयर कर रही है अपनी हाइट. हम दोनों ने इतने प्यारे प्यारे शूज पहने हुए, मुझे लग रहा है सर्दियाँ जाने वाली है तो हम इनको बाय बाय कहने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस आप में कॉमेंट में बताना किसकी हाइट कितनी है. ऑलमोस्ट एक जितनी है. बड़ी है, बड़ी है. तुम स्पेस में बड़ी हो. प्लीज कॉमेंट में बताइए. हम ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज के दिन में क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं. मम्मी ये क्या है? ये एक्सरसाइज के बाद गिन्नो खाने. धूप में रखे हुए, फ्रिज से निकाल के ताकि गर्म हो जाएं. बड़ी बात है, बड़ी बात है. तो भाई अब जैनब ने उठा लिया डंबल. यार मेरे घर में चल के आ रहा है हर कोई एक्सरसाइज, फिटनेस फ्रीक बना हुआ है हर कोई. ये बस पाँव में ना लग जाए किसी के, प्लीज साइड पे. ओके गाइस, तो यहाँ पे अम्मा ने बनाना शुरू कर दिया ब्रेकफास्ट और इसके साथ हम बनाएंगे होममेड कबाब. ट्राई करें. पता है मैं क्या करती हूँ? पहले एक्सरसाइज करती हूँ फिर पराठा खाती हूँ. ये पूरा सही चीटिंग कोड बता रही है. पहले एक्सरसाइज करें फिर पराठे शराठे बर्गर शर्गर जो खा रहे हैं ना. सिर्फ एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें भाई. तो भाई इतना टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करने बैठ चुकी है जैनब और मैं, और मामा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करती हैं और हम यमी सा नाश्ता करने वाले हैं. मम्मा मेरा ना दिल कर रहा है, मैं ना हेयर बैंग्स कटवा लूं. चलो पहले एक मिनट खाना. हेयर बैंग काटने का दिल कर रहा है, सैलून जाने का मूड नहीं हो रहा, तो सोच रही हूँ घर पे ही काट लूँ. हाँ तो पार्लर वाले तो तुम खुद होकर हर काम कर सकती हो, देखते हैं आज बाल कैसे काटती हो. डन डन डन. मैं अच्छे काटोगी तो मैं भी कटिंग करवाऊंगी पीछे से. डन. अगर अच्छे काटे तो मामा भी कटिंग कराएंगी. गाइस आप सबूत के तौर पर गवाह हैं, ठीक है? डन, मैं खुद काटूंगी. तो भाई जैनब यहाँ खड़ी है, जैनब से भी मशवरा ले लेते हैं. मैं बैंग्स काटने लगी हूँ घर पे, यस और नो? नहीं. तो मेरा दिल कर रहा है सैलून जाने का, टाइम नहीं मिल रहा है. प्लीज प्लीज तुम बन जाओ गंदी मंदी. गंदी मंदी मैं इतने अच्छे बाल काटती हूँ तुम्हें? चलो काग वो थोड़े प्यारे वाले बैंग्स. चलो ठीक है, अभी ये लोग सब कहीं जा रहे हैं, इनका आके रिव्यू लूंगी. तुम लोग जाओगे मैं पीछे बाल कट करूंगी. लोगों को सही कर क्या, अगर कुछ खराबी आई तो सही कर दो. पूरी की पूरी खराबी है, मैं क्या ठीक करूं? मैंने मारना है आपको. चलो सही है, जब तक ये लोग जाएंगे मैं पीछे से हेयर कट करूंगी, फिर जब ये लोग आएंगे अपने बैंग्स का मैं इनसे रिव्यू लूंगी. ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे बैठी हुई फातिमा मिली. मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं घर पे बैंग्स काटना चाह रही हूँ, काटू के ना काटू बताओ? काट लो, अच्छा काटती हूँ बैंग्स. बस ठीक है, तुम लोग जाओ वापस आओ और मैं तुम लोगों को अपना अपने बैंग्स दिखाऊंगी मैं, क्योंकि काटने लगी हूँ थोड़ी देर में बैंग्स. हाँ काट लो, अच्छे काटती हूँ. वैसे तुमने मेरे लास्ट टाइम काटे थे, गंदे काटे थे, अच्छे काटे थे? बेटा अच्छे ही काटे थे, इतने अच्छे बैंग्स थे. हाँ अच्छे काटे, इतने अच्छे बैंग्स कट किए थे मैंने. सो भाई अब हम लोग इनको
अलविदा कहते हैं और बैंक्स करते हैं। ओके गाइस, सो इतने टाइम के बाद कौन मिलने आया हमसे? अस्सलाम वालेकुम। वाली बेस्ट व्लॉगर इन द हाउस। यस। कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप टूर? बहुत मजा आया, लेकिन एक चीज बताओ कि ये जो है इमारत जो है दूसरा नजर नहीं आ रहा, तो बहुत अजीब लग रहा है। स्टाइल है, ये स्टाइल है नया नया स्टाइल इन टाउन। अच्छा ओके गाइस, तो मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए। मैं अपने घर पे बैंग्स काटने लगी हूँ, काट लूँ या नहीं काटूँ? खुद काटने लगी, खुद काटने लगी। इकरा की कॉपी करने लगी हूँ। आप ही ने भी करवाए हैं? मैंने वो प्रॉपर वाले बैंग्स काटने हैं, ऐसे मूड हो रहा था। बेबी कट व्हाट एवर जो भी है। 20s की इमो वाली लड़की बनने लगी हो है। हाँ ना, मेरी 20s की इमो नहीं, वो बनने लगी है श्री देवी। हाँ ना, अच्छा लगता है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बन जाऊँ। अच्छे ना लगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर बड़े हो जाएंगे, घर की खेती है, फिर दोबारा आ जाएंगे। रिस्क ना लो, लेकिन वैसे चेंज कभी कभी अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं ट्राई कर लो। हां ना, ट्राई कर लेते हैं। इंडिया के बारे में मैं ये कह रहा था कि लगेंगे, लेकिन जब इसने किया अच्छे लग गए हैं। डन डन, क्या पता बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपना हेयर कट करके दिखाऊंगी, आप लोगों ने उस पर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा हीरा मैं जा रही हूं, अच्छा से हेयर कट करना है। डन। ओके गाइस, तो ये लोग सब चले गए हैं, अब बारी है प्रैंक करने की। जैसे ये लोग आएंगे, मैंने अपनी वो विग शिग लगा लेनी है, एवरीथिंग डन होगी, और इनका रिएक्शन लेना है कि भाई ये, उनको पहले तो यकीन ही नहीं आना कि भाई हीरा ये वाला हेयर कट तुमने किया है। बट फिर भी यस, किसी तरीके से हमने गंदे मंदे से बैग्स लगाने हैं और उनको कहना है कि ये मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूँ। So, देखेंगे इनका रिएक्शन क्या होता है, तो इनके आने का वेट करते हैं। A few moments later. Okay guys, तो मैंने अपने बालों को कर लिया ब्लो ड्राई, था कैसा लगे कि अभी अभी फ्रेश कटिंग हुई है और मैं ब्लो ड्राई करके आई हूँ। अब बारी है अपने सर पे बैंग्स लगाने की। तो आपको मैं बता दूं, मैंने भी रिसेंटली ऑर्डर की थी ऑनलाइन बैंग्स फॉर अ शूट, लेकिन सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ प्रैंक कर दूं। अभी वो लोग गए हैं, थोड़ी देर में वापस आने वाले, तब तक हम अपने बैंग्स सेट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से वाले बैंग्स लगाने वाली हूँ। तो ये काफ़ी टाइप की मेरे पास यहाँ पे ना बैंग्स और एक्सटेंशंस पड़ी हुई है, अब समझ नहीं आ रही है कौन सी लगाऊं। देखते हैं इनमें से कौन सी फिट आती है मेरे बालों पे। सारा, दिस इज माय न्यू हेयर कट, बेसिकली प्रैंक वाला हेयर कट। ठीक है, और बड़ी कोशिश की है कि इसको मैं नेचुरल टाइप लुक दूं और कहीं से ना लगे कि ये विग है। मैंने भी रिसेंटली हेयर कलर चेंज कराया था, तो आई थॉट कि उसके साथ मिलता जुलता हेयर कलर होना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सेम कलर है। ये शूट में तो अच्छी लगती है, लेकिन आई नो कि परमानेंट हेयर कट नहीं ऐसा इसको अच्छा लग सकता। तो मैं नीचे जाती हूँ अभी और देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है। मैं प्रिटेंड करूँगी कि भाई बस मैं नॉर्मल हूँ और मैं बाल काट के आ गई हूँ, बस अब जो है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होता है। वैसे आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसा हेयर कट करवा ही ना लूँ। प्रैंक, इट्स अ प्रैंक। ठीक है, हम इसको प्रैंक की हद तक ही रखते हैं। मुझे लग रहा है ये एक थोड़ा सा लंबा बाल है, इसको मैं कट कर देना चाहिए, कहीं से भी ज़रा सा भी पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने इसको बालों के नीचे छुपा लिया, इसका जो क्लिप है, और इसको भी अपने बालों के अंदर मर्ज कर लिया है ताकि पता ना लगे। तो भाई ये थोड़े से जो बाल थे ना, ये आगे आ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि फेक फेक है, तो मैंने इसको पिंस के साथ एडजस्ट कर लिया है। और कहूँगी कि मैंने हेयर स्टाइल बनाया, पिंस को हम बालों से कर्ल करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। सच में मुझे ऐसे लग रहा है मैंने वाकई न्यू हेयर कट करवा लिया। इनका रिएक्शन बहुत एपिक होने वाला है, मुझे पता है। A few moments later. तो भाई मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो नीचे आ चुके हैं, सब कहीं गए हुए थे और अभी वापस आए हैं, और अब चलते हैं नीचे, प्रिटेंड करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और देखते हैं उनके रिएक्शन को। तो ये लोग नीचे बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? बाल का कलर चेंज करा लिया है सारे बाल ब्रो, मैंने हेयर कलर चेंज करा। क्या लग रही हूं? हां क्या, मेरा जो लड़का लड़का नहीं ऐसे करता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तो लगा भी हुआ उधर, आत्मा वाला लड़का। सच बताओ, नहीं अच्छे लग रहे? तो मैंने काट ली बालों का कलर, तो बैंग्स okay. मैंने साथ में हेयर कलर भी किया और स्टाइल बना के आई हूं। ओके, बट बालों का जाके से कलर है ना, बहुत बुरा लग रहा है, ब्लैक में होता ना। मम्मा नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने काट ली है। जुया लग रही है अंदर से, मुंह निकला, ये काट ली है जैसे करके पिनेल करूं। हां, अब फिर साइड पे यूं कर लो। नहीं, कलर क्यों एकदम से इतना लाइट हो गया? पता नहीं, आप ही नहीं अच्छे लग रहे यार। तुम्हारा कलर क्या हो गया सर का? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे तुम हो बहुत ही हो हातिम वाली। तुम लोग मेरा दिल ना तोड़ो, मैंने इतनी मुश्किल से की है। दिल नहीं तोड़ी, ठीक है, अच्छा लग रहा। मुश्किल क्या है, बस चाची फैलती है, मुश्किल नहीं, फिर भी मैंने बड़ी मेहनत से की। बहुत मेहनत से क्या, तुमने क्या कसाई हो, तुमने क्या किया?
तुमने मेहनत से बाल काटे नहीं है, अब मेहनत से बाल वापिस आएंगे, वो मेहनत है। सच में नहीं अच्छा लग रहा, ये स्टाइल भी नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे देखो मेरे रापी जैसे बैंग्स कटवाती ना, कर्टन बैंग्स, तुमने क्या बेजा काटा इसने काट के ना, शीशा नहीं देखा या तो शीशे के बगैर काटे इसने। मम्मा यार ऐसे ना कहे, इतने प्यारे लग रहे हैं। हम तो सच बोल रहे हैं, अगर हम फेक के साइड पे करो फिर देखना अपना मुंह क्या करो, ऐसे करो ये ले। अब अच्छी लग रही हूँ, दिखाना चाहो नहीं, मैं औरों का रिएक्शन ले आऊँ पहले। तारा कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल, क्या हुआ शॉक? रापी कितनी गंदी लग रही है, इधर आओ। हाँ ये कितनी गंदी लग रही है, हटा दो और कलर वालों हटा दो, मैं काट के आ गई हूँ जैनब। यहाँ पे बाल अजीब से लग रहे हैं, फटे हुए इससे जैसे किसी पार्लर से, और अजीब सी क्यों ये टेढ़े टेढ़े कटे हैं। मैंने खुद काटे नहीं, अच्छे काटे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मेरा दिल तो ना तोड़ो रापी, दिल तोड़ने की बात ही अच्छा लग रहा था, मैं कहती लेकिन ऑनेस्ट मैन हूँ। लेकिन चलो इसको अगर आप अच्छे वे में, अगर कोई बात नहीं कट जाता इसको अच्छे वे में कैरी कर लो। जैनब के भी तो कटे थे, वो भी तो इसको ना, वो भी तो रोई थी। यार पता क्या लग रही है, तारा सूर्या ने एक मूवी में नहीं किए थे? हाँ यार एक मूवी थी उसके अंदर ऐसा किए थे है ना, सब अच्छे लग रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे लेकिन तो मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे। अभी अब काट लिया तो अब इनको एंजॉय करो, यही कहूंगी छोटे काट लिए। अरे एकदम ऐसे पागल मम्मा को ना भी होता ना, उनको नहीं पता है। यार तुमने मेरा सारा स्टाइल खराब कर दिया जैनब, इतनी मेहनत झूठ। अरे ये मेरे बाल, मुझे लगा ये क्या, मुझे उनको ना बताना, उनको मैंने बताया मेरे रियल जैनब, मैंने बड़ी मुश्किल से चढ़ी है यार, दी लग रही हो ना आपका सबसे, मत कर चिपड़ी चिपड़ासी लग रही बंदा, बताती हूं मैं सबको, मैं बताती हूं सबको। अभी उनको ये लग रहा है हीरा ने बाल काट लिए, अभी मत बताना, बाहर बैठे हुए तुम लोगों को दिखाने आए थे, तुम इन्होंने पकड़ लिया। और हल्का हल्का ना फातिमा को भी डाउट हुआ, कहती कलर क्यों चेंज लग रहा है, मुझे वहां से भागने दो। अब क्या करें, एक काम करना है, तुम लोगों ने बाहर आना और कहना है हीरा के बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हो कि इनको क्या हो गया, ठीक है। अब मुझे दोबारा सेट करने दो, जैनब बदतमीज ने सारा खोल दिया, इतना टाइम लगा के मैंने ठीक किया था, तो भाई बड़ी मेहनत से मैंने वापस इनको सेट किया ताकि रियल लगे। और अब चलते हैं बाहर, और इन दोनों को भी मैंने अपने प्रैंक में कर लिया है शामिल। तो भाई अब यहाँ पे हमें ज्वाइन किया, अरे भाई ने मेरी कटिंग कैसी लगी? खैर इसने सच्ची में बाल कटवा दिए, अरे भी वही करवाया है, देखना बैंग्स कटवाए नहीं, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो बहुत प्यार। तारा सूर्या लग रही है पूरी, उसने तारा मूवी में ऐसे ही करवाए थे, बहुत अच्छे आप पे बहुत सूट कर रहा है, थैंक यू। नहीं ये दिल तोड़ रहे हैं मेरा, नहीं अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, अच्छे लग रहे कहे, अच्छे लग रहे हैं पहले ज्यादा अच्छी लगती थी, ये चाइनीज लड़कियां नहीं होती जो खत्म हो गया उनका, थैंक यू आप सबकी तारीफों का। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा था नकली 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 नकली, लेकिन यकीन तो हो गया था आपको नहीं। और अब मेरी हेयर कटिंग कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, पुराने ही बाल, पुराने जैसे पहले कोई अब तारा सूत्रा नहीं लग रही क्या? सूत्रों के अनुसार हीरा हीरा लग रही है, बालों का कलर भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पहले मैंने प्रैंक किया था, पता है मेरा दिल कर रहा था पहले बैंग्स करवाने का, मैंने कहा पहले एक्सटेंशंस ट्राई करते हैं, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना ये वाले जिंदगी में कभी बैंग्स मत कराना, ये कराना अपनी प्रमोशन, ये कराना ये सही है भाई। चलो मेरा प्रैंक कहीं ना कहीं तुम लोगों को सच लगा, कि आप लोगों ने नहीं किया, मुझे पहले ही पता था, मैं तो जान के गई थी अच्छा लग रहा।
इसको तो मैंने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ था, मुझे पता था मैं जाके गई थी, कोई तार सूर्या नहीं लगी थी आप बाय। ओके गाइस, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।